सनमति सागर मोबाइल सभी कंपनी के मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है हीरो शोरूम के पास, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। किसी फिल्म का गाना है कि कांधे से दुपट्टे को न सरकने देना वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अब एक 5 लड़कियों की मम्मी ने दुपट्टे को घूंटे पे टांगा और एक के बाद एक 4-4 शादी फटकारी। 5वीं शादी करने जब जा रही थी तो बच्चे और दामाद चिल्लाकर बोले, क्या मम्मी बच्चों की जान ले लोगी कसम से। शादी की शौकीन इस महिला की इश्किया दास्तान सुनेंगे तो छोटे मोटे इश्क करने वाले धतूरा खाकर मर मिटेंगे कसम से। अब यह महिला 5वीं शादी मिथुन से करने वाली थी तो दामाद और इसकी बेटियों ने पुलिस बुला ली कसम से। मेरी मम्मी है, 5वीं शादी कर रही, मैंने मना किया तो मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बड़ी दीदी का रिश्ता कर दिया, उन्हें भी घर से निकाल दिया। मैंने बोला हम आपका साथ देंगे, हम काम करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर 5वीं शादी मिथुन गुर्जर के साथ में कर रही है। पहली शादी किसके साथ की? कौन पहली शादी किससे? पहले मेरे पापा थे विनोद और रिया के रहने वाले, वो भी एक्स फरार हो गए। दूसरी शादी की वो भी एक्स फरार। क्या नाम था दूसरी का? क्या नाम? फिर कहाँ के थे वो? सुकान। तीसरे का? तीसरे का पता नहीं, वो मुझे तेली पहले शादी कर ली थी ना, वो तो छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, चौथी? चौथी शादी की वो भी एक्सप्लोर हो। क्या नाम था? आज इसके साथ में कर रही है 5वीं शादी। किस क्या नाम था चौथी? मुझे पता नहीं, तलाक हो गई। अच्छा, 5वां कौन है? ये मिथुन गुर्जर को खड़ा है। अच्छा, आप कितनी बहने हो? हम 5 बहने हैं। सबकी शादी हो गई? अभी शादी नहीं हुई, दो की रिश्ता कर दिया था ना, घर से निकाल दिया उन्होंने, अभी तक शादी नहीं हुई। शादी पर शादी करने की आदतन शौकीन महिला की भेरंट मोहब्बत की मुरब्बे की चाशनी से लिपटी यह दास्तां एमपी के भिंड से जुड़ी है, जहां झांसी वाला मोहल्ला की रहने वाली रानी देवी को शादी का ऐसा चस्का लगा जिस तरह शेर के मुंह में इंसानी खून लग जाए तो बस शिकार पर शिकार करता है कसम से। ऐसे ही रानी देवी हैं। विनोद से शादी होने के बाद 5 बेटी हुई। जब विनोद गुजर गए तब 6वें महीने रानी ने दूसरी शादी कर ली कसम से। दूसरे पति गुजरे तो कुछ दिनों बाद तीसरी कर ली। जब वो भी गुजरे तो चौथी शादी भी फटकार ली। जब चौथे सोहर गुजर गए तो फिर रानी ने अपने घर में किराए से रह रहे अपनी उम्र से 24 साल छोटे मिथुन को ऐसे पकड़ा जैसे फिल्म प्यार झुकता नहीं में मिथुन को पद्मनी कोल्हापुरी ने जकड़ लिया था कसम से। 45 साल की रानी ने अपनी उम्र से 24 साल छोटे मिथुन को प्रेम जाल में फंसाया, इश्क में डूब डूब कर स्नान किया कसम से। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, रानी ने शादी का जोड़ा मंगवा लिया कसम से। इंडिया बिंदिया आयल पायल मंगवा ली, मिथुन भी आया में डिस्को डांसर करते हुए शेरवानी और पगड़ी ले आया कसम से। शादी के ढोल बजने की तैयारी होने लगी तो लड़की और दामाद ने पुलिस बुला ली। रानी ने भरे थाने में ऐलान कर दिया कि वो तो मिथुन की मिथुनी बनेगी कसम से। लड़कियों ने कहा कि मेरी माँ इस मिथुन के पीछे हम लोगों को खाना नहीं देती और मिथुन को पकवान पर पकवान खिलाती है कसम से। रानी के इजहारे मोहब्बत से पुलिस का माथा घूम गया, सोचा अगर मिथुन निपट गए तो यह दूसरा मिथुन देख लेगी कसम से। चकराई और घनचक्कर हुई पुलिस ने रानी और मिथुन को समझाया है, लेकिन दोनों बालिग हैं कसम से। क्या वजह रही जो एक 45 साल की उम्र और एक 21 साल की उम्र में जो क्योंकि ये जो महिला है वो 45 साल की है, ऑलरेडी उसकी 3 शादियां हो चुकी थी, और ये 21 साल का लड़का था जो कि नया था, जवान लड़का था, तो अभी इतना मेंटली तौर पे इतना ज्यादा मेच्योर नहीं लग रहा था। तो इस उसको मेरे द्वारा समझाया गया कि तुम अभी 21 साल की हो, तुम्हारी शादी कहीं और भी हो सकती हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी पढ़ो लिखो और नौकरी करो, उसके बाद शादी करो। उसको मेरे द्वारा ये समझाया गया है और वो समझा भी है और अब वो खुश है।
रानी जब तक पति जिंदा रहता है तब तक वफा करती हैं, जैसे ही पति की मौत हो जाती है दूसरा पति तलाश लेती हैं कसम से। अब अपने बेटे की उम्र वाले मिथुन से रानी इलू इलू फटकार रही है, शादी भी करेंगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका कसम से। रानी मिथुन की मोहब्बत के बीच कोई नहीं आ सकता। दर्शकों की डिमांड पर कुछ दिन पुरानी खबर हमने आपको दिखाई है, जहां हमें लगा कि सास को शादी का चस्का लगा है। जब तक रानी 80 साल की नहीं होगी, यूं ही शादी पर शादी करती जाएंगी कसम से। कीर्ति बर्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज भिंड। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।